हेलो गाइस, वेलकम बैक। नई वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मटर पनीर की चटपटी मसालेदार सब्जी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सामान लिया है। मैंने लिया है कटिंग की हुई पनीर, और मैंने लिया मटर और मटर पनीर का मसाला। और गाइस टमाटर को बॉईल करने के बाद मैंने इस तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है, और अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट मिक्सर में, दो प्याज की गाठी, एक प्याज लहसुन की गाठी और अदरक का पेस्ट इस तरीके से तैयार कर लेंगे मिक्सर में पीस के। तो गैस चलते हैं गैस की तरफ, बनाएंगे चटपटा मसालेदार मटर पनीर। तो गैस अगर मैं आप दी चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गैस देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, लोहे की कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 1 चमचा कड़वा तेल। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि तेल की झाग जो होती है निकल जाए, अच्छे से गर्म भी हो जाएगा। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे। सबसे पहले लेंगे प्याज लहसुन का पेस्ट, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज को। गैस गुलाबी होने तक इसको भूनेंगे, जब तक ये भुन रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, कटोरी में डालेंगे टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे तो गैस थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, और आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डालेंगे गैस, आधा कप पानी, और इसको चला लेंगे। तो गैस मसाला तैयार हो गया है। इसी तरीके से गैस ये पनीर मसाला जो है मैंने लिया है, इसको भी मटर पनीर मसाला, इसको भी दूध में चाहे तो आप भिगो के डाल सकते हैं या आप पानी में। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस प्याज जो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाबी भुन चुका है। अब इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था तो उसमें डाल देंगे, इसको चलाएंगे और मसाले को भून लेंगे पहले, जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है। इस पैकेट को खोलकर, तो गाइस पैकेट को खोलकर कटोरी में निकाल लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, चाहे तो आप दूध ले सकते हैं, आधा कप समथिंग मैंने पानी डाला है, और उसको इस तरीके से चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे, फिर इसको चलाएंगे। अब जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, चाहे तो आप कच्चे टमाटर भी पीस सकते हैं गाइस, मैंने बॉइल किया है, बॉइल करके इसको पीस लिया है मिक्सी में, तो इसमें डाल दूंगी, फिर इसको चलाएंगे। तो गाइस मटर पनीर की आप देख सकते हैं ग्रेवी तैयार हो रही है, चटपटी मसालेदार। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, ताकि इसकी जो चिट होती है ऊपर जाती है तो आपकी गैस ख़राब ना हो जाए और सब्जी भी ख़राब नहीं होगा। और गैस को लो फ्लेम पर कर दिया, तो इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे पनीर। पहले मटर डालेंगे पनीर को। गैस आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया है। तो गैस इसको चलाएंगे, वो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी तैयार हो गई है। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे, तो इसको भी 5 मिनट गैस भून लेंगे। और जैसा आप चाहें तो इसको सूखा पसंद करते हैं तो आप इसको गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे, तो ये सूखा मटर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैं सूखा नहीं बना रही हूँ, मैं बनाऊँगी रसीला। तो गाइस इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे, तो ये गाइस 2 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है, और इसको चलाएंगे। तो गाइस कैसा लगा चटपटा मसालेदार मटर पनीर? अब इसको ढक देंगे किसी ढक्कन से या थाली से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो। तो इसको मैंने दिया है ढक, ढकने के बाद मिलते हैं गाइस 15 मिनट के बाद। गैस को थोड़ा लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, ढक्कन को खोलेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं चटपटा मसालेदार मटर पनीर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं, और इसको सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, इसको चाहे तो आप चावल से, रोटी से, या पूड़ी से, या आपके घर कोई गेस्ट आए हुए हों उनके लिए बनाना हो, तो आप फटाफट आप मटर पनीर की सब्जी इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए देर न करते हुए सर्व कर लेते हैं।
तो ये रहा स्पाइसी मटर पनीर। तो गाइस मटर पनीर बनके तैयार हो गया है, इसको मैंने सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया डाल सकते हैं, अवेलेबल आपके पास हो तो। गाइस धनिया से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो गाइस इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है मटर पनीर। तो गाइस आपको मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक मेरा नया चैनल है, उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को देखकर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसको चाहे तो आप चावल से खाइएगा या पूड़ी से, सब्जी से, कचौड़ी से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे आप खाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस ढोकला। ढोकला बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन और मैंने लिया है इनो का पाउच। तो गाइस नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और ढोकला बनाने के लिए गाइस बेसन को सबसे पहले एक बड़े से बाउल में ले लेंगे। तो ये मैंने कटोरा लिया है बड़ा वाला और इसमें बेसन को डाल देंगे। बेसन में डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार नमक, वन टीस्पून चीनी, एक ग्लास लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और इसका गाढ़ा डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें गैस थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसका डो इस तरीके से तैयार करना है गैस, जैसे आप कढ़ी के लिए आप पकौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से थोड़ा गाढ़ा ही डो तैयार करना है। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी आप इस तरीके से जब गोल तैयार किया है तो ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे तो, और इसको चलाएंगे। तो ढोकले का पेस्ट गाइस उस तरीके से तैयार कीजिएगा, जब आपका पेस्ट अच्छा बनेगा तो आपका ढोकला भी परफेक्ट बनेगा। तो इसके क्वांटिटी का आपको ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको पूरा जिस तरीके से आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ढोकला किस तरीके से बनाना चाहिए। तो गाइस मैंने 250 ग्राम बेसन लिया था और मैंने एक गिलास पानी लिया था, अभी इसमें पानी थोड़ा सा बचा हुआ है और इसका मैं इस तरीके से घोल तैयार कर रही हूँ। तो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो गाइस ये जो है घोल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो जब घोल को इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से टपकना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा रहे नहीं, अगर इसमें चिपकता है तो समझ लो तो आपका घोल बहुत गाढ़ा है, ना ही इसको गाढ़ा रखना है ना ही इसको ज़्यादा पतला रखना है। तो इसको गाइस घोल बन के तैयार हो गया, आप इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। मिलते हैं गाइस 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गाइस हो चुका है, अब 10 मिनट के बाद इसको फिर फेंट लेंगे इस तरीके से। तो परफेक्ट घोल बन के तैयार हो गया है, चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे लोहे की कढ़ाई, भारी पट की, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ये मोटे पट की है, मोटे पट की लेनी है। एक गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे, इस पर रखेंगे स्टैंड, पानी को गर्म करेंगे। अब लेंगे एक थाली और थाली में ग्रीस कर लेंगे, ऑयल डालेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। थाली में गाइस अच्छे से ग्रीस कर लिया है, पानी गर्म हो रहा है। अभी कोल में गाइस मैं लूंगी इनो का पाउच, तो इसको खोलेंगे। इनो का पाउच गाइस पूरा डाल देंगे, इनो डालने के बाद इसको गाइस को अच्छे से फेटेंगे और फेटने के बाद ये हल्का हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बेसन कितना हल्का होने लगा है। एक ही राउंड में गाइस इस तरीके से फेटना है, जितना अच्छे से फेटेंगे उतना ही अच्छा ढोकला बनेगा आपका। आप चाहे तो इसमें 1 टीस्पून थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं और चाहे तो हल्दी। तो वैसे ना मैंने हल्दी डाली है ना कलर डाला है, सिर्फ बेसन का कलर है ये। फेट चुका है, फेटते 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 आप देखते हैं गाइस इसमें बबल्स आने लगते हैं। तो आप ये बबल्स जो आ रहे हैं तो अच्छे से फिट चुका है, ये बबल्स आना शुरू हो गया है।
थाली में जो ग्रीस किया था वो इसमें इस तरीके से डाल देंगे सारा घोल से डाल देंगे और तप-तपा देंगे। डालने के बाद गाइस इसको इस तरीके से डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से बराबर से हो जाए और ईयर जो है निकल जाए। तो परफेक्ट इसमें डाल दिए हैं, चलते हैं गैस की तरफ। पानी गाइस देख सकते हैं कि ये खोल आने लगी है पानी में। अब इसको इसमें इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद गाइस इसको एक बड़ी सी थाली लेंगे और थाली को इस तरीके से ढक देंगे और ढकने के बाद इसके ऊपर भारी बर्तन रख देंगे। अदरक कुचलने वाली है वो इसको इस तरीके से रख देंगे और ढकने के बाद इसको गाइस मिलते हैं 15 मिनट के बाद। इसको खोलना नहीं है, इसको पकने देंगे। मिलते हैं गाइस 15 मिनट के बाद। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल के देखेंगे कि कैसा बना है ढोकला। तो ये गाइस गर्म है, खोल के देखेंगे और एक कांटा ले लेंगे और कांटे से दबाकर देखेंगे। इसमें तो अभी गीला है बीच में, तो गाइस इसको फिर दोबारा से ढक देंगे और इसको किसी भारी बर्तन से ढक देंगे। तो गाइस मैं जो चका बेलन जो है उसी से मैं ढकते रही हूँ और इसकी एयर बाहर ना निकले। तो गाइस मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस ढोकला बन रहा है, इसको दूसरे गैस पर रख देंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिया है ढोकला बनने के लिए। अब जो इस चूल्हे पर बनाएंगे गाइस ढोकला के लिए तड़का, ढोकले में तड़का बनाने के लिए गाइस मैंने कढ़ाई रखी है दूसरी वाली। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे छोटा चमचा ऑयल मैंने लिया है। तो गरम करेंगे, ऑयल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे गैस राई। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। डालेंगे हरी मिर्च, इसमें डाल देंगे पानी। दो ग्लास पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो गाइस हरी मिर्च और राई का तड़का लगाकर और इसमें पानी ऐड किया है, इसमें डालेंगे चीनी। बड़ा 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे और इसमें खोल लगाएंगे। पानी में गाइस खोल आने लगी है और इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक धनिया। चाशनी में गैस अगर आपके पास टाटरी है तो टाटरी डाल सकते हैं। मैंने लिया है एक नींबू और इसके बीजे निकाल देंगे और बीजे निकालने के बाद नींबू इसमें निचोड़ देंगे। नींबू से गैस खट्टापन को अच्छे से आता है, चाहे तो टाटरी भी आप डाल सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने गैस करी पत्ता की जगह धनिया ले लिया है। तो ये पूरा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। सो गाइस ढोकले के लिए जो पानी का तड़का बनाते हैं चाशनी वाला, जो चाशनी बनानी है और इसमें पतला पानी, इसमें चीनी और धनिया करी पत्ता चाहे तो डाल सकते हैं, हरा मिर्च कटी हुई बारीक और राई से तड़का लगाकर उसका 2 गिलास पानी खौला लिया है और ये परफेक्ट तैयार हो गया। इसको गाइस ठंडा कर लेंगे, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे। चलते हैं ढोकले की तरफ। ये इस तरीके से तड़के वाला पानी जो राई वाला होता है वो इस तरीके से आप बनाइए ढोकले के लिए। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा करके रख लेंगे अलग। और पानी को गैस गर्म नहीं डालना है ढोकले के ऊपर, सब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी डालनी है। और ठंडा होने के से पहले इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। तो गैस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको हटा कर देखेंगे। अब लेंगे चाकू, चाकू से देखेंगे कि ढोकला किस तरीके से बना है। तो गैस ये ढोकला बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है।
यहाँ पर हल्का सा नीला है और इधर बन चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये सो गाइस 20 मिनट हो चुका है। अब इसको दोबारा से खोल के देखेंगे। भी पहले मैंने देखा था तो बीच में थोड़ा सा गीला था, तो गैस अब 20 मिनट के बाद अब इसको फिर से खोल के देखेंगे। और चाकू की सहायता से इस तरीके से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बना है और बीच में भी बन गया है। बीच में हल्का सा गीला लग रहा है, बीच में परफेक्ट नहीं बना है। तो गाइस गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये परफेक्ट ढोकला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसको गैस ठंडा कर लेंगे, तो ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट ढोकला बन गया है। सो गैस आप देख सकते हैं कि ढोकला बन के तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं कितना स्पंजी है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो गाइस इसको करेंगे पहले ठंडा। तो गाइस ये ठंडा हो चुका है ढोकला। अब इसके ऊपर जो मैंने राई का तड़का बनाया था, चाकू की सहायता से गाइस इसके पीसेस कर लेंगे। और जो राई का तड़का मैंने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसको खुलवाएंगे और फिर इसके पीसेस निकाल लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ढोकला बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस बनाइएगा ढोकला, वो बहुत ही बढ़िया बना है ढोकला। और गाइस आप देख सकते हैं कि स्पंजी भी बना है। इस तरीके से गाइस ढोकला बनाइएगा और खाइएगा। तो गाइस आपको ढोकले की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मिर्च का अचार। सो गाइस मिर्च को मैंने पहले धो लिया था, धोने के बाद इसको सुखा लिया था। सुखाने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जो मैंने हरी मिर्च ली है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च है। और हरी मिर्च जो अचार वाली होती है, इसको इस तरीके से चाकू की सहायता से इस तरीके से मैंने छोटे पीसों में कटिंग करा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खूब सुखा लिए हैं धूप में, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। और इसको इस तरीके से काट लेंगे, चाहे तो बीच से कट लगा लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। तो गाइस मिर्च कट के तैयार हो गई है। अब बनाएंगे चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस अचार आप इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा ही मिर्च का अचार बनाइएगा और ताज़ा ताज़ा खाइएगा। तो गाइस इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक खा सकते हैं इसको, सालों साल। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो बनाएंगे चटपटा मिर्च का अचार। सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसमें जो मसाले डालेंगे उसके लिए गैस की तरफ चलना पड़ेगा। गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखेंगे नॉन स्टिक तवा। ये गर्म हो रहा है, इसमें लिए मैंने सौंफ, जो मोटी सौंफ आती है वो 2 टीस्पून। चलाएंगे तो आप देख सकते हैं गाइस इसका कलर बदलने लगा है, इसको गुलाबी होने तक ही भूलेंगे। सॉस में डाल देंगे 2 टीस्पून राई, जो मैंने पीली सरसों ली है।
फ्राई की क्वांटिटी गाइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो 3 टीस्पून मैंने लिया है, उसको भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है। राई भी अच्छे से भून देंगे। जब दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो गाइस ये करेंगे ठंडा, ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल गाइस गरम कर लेंगे इसमें, तो इसको गैस को ऑन करेंगे और इसको गरम कर लेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसकी तासीर गर्म करनी है ताकि ये ऑयल की छार थोड़ी सी निकल जाए, और फिर इसको गैस को ऑफ कर देना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि गैस को मैंने ऑन किया है और ये गर्म था, तो अब ये गर्म हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे। सो गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मिक्सी में जो ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए आपको थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा मिक्सी में चलाया और इस तरीके से पीस किया, हल्का सा मोटा मोटा। तो गैस ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे। जो मैंने ऑयल गरम किया था, ये ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा तासीर इसकी गरम मार्ट कर लिया था, अभी बिल्कुल ठंडा है। अब इसको डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गाइस आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। इसको चलाएंगे। इस तरीके से चलाने के बाद अचार बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक जार में भर के रखेंगे। तो जार में भरने के रखने के लिए गैस तुरंत नहीं भरना है जार में, तो इसको गैस ये जो अचार है तो इसको 2 दिन तक ऐसे ही रखेंगे खुले में। तो अगर आप कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो गैस 2 दिन के बाद ये कंटेनर में रखिएगा और इसको ऐसे ही हवा लगने के लिए इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। और प्लेट ढकने के बाद इसको हल्की सी धूप दिखा देंगे, अगर धूप नहीं है तो इसको छाई में ही रखिएगा। और रखने के बाद इसको 2 दिन के बाद ही कंटेनर में रखिएगा। अब इसमें डालेंगे आप देख सकते हैं कि विनेगर, तो विनेगर 1 कप विनेगर डालेंगे, सॉरी 1 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर। 1 चम्मच विनेगर डालने से क्या रहता है गाइस, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास विनेगर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू, आधा नींबू इसमें निचोड़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कटाई डाल दी है, तो ये अचार बनके तैयार हो गया है, चटपटा मसालेदार अचार। चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस इसको इस तरीके से ढक देंगे किसी कपड़े से, कपड़े से या कोई दूसरी प्लेट से, प्लेट से गाइस इस तरीके से, जो भी प्लेट हो आपके पास, इस तरीके से ऐसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसको फिर चला देंगे, 2 दिन तक इसको चलाना है। चलाने के बाद ही कंटेनर में रखिएगा। अगर आपने ऐसे ही कंटेनर में अगर रख लिया अचार, तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हरी मिर्च वाला अचार है। अगर लाल मिर्च वाला अचार होता तो आप तुरंत रख लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मसाला जो है सब में मिक्स हो जाए। तो ये गाइस अचार बनके तैयार हो गया है, चटपटा मसालेदार अचार। तो गाइस अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नए हैं मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और कम्युनिटी हाउस में एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और खाइएगा अचार। तो अचार तो गाइस मिर्च का अचार जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप आम के उससे खाइएगा, दाल से खाइएगा या पराठे से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, खाने के स्वाद को दुगना बना देता है और खाना भी टेस्टी लगेगा आपको अचार के साथ। एक पीस आप इस तरीके से ले लेंगे तो आपका छोटे छोटे पीसों में क्या रहता है कि अचार बर्बाद भी नहीं होता है और अचार आपका स्वाद भी लग जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइज टका पैसा। टका पैसा बनाने के लिए गाइज मैंने एक कटोरा समथिंग बेसन लिया है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला, एक चुटकी हींग, इसमें डालेंगे गाइज 1 टीस्पून ऑयल। अब इस तरीके से डो तैयार करेंगे, जो जैसे पराठे का डो तैयार करते हैं गैस। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, जिस तरीके से पराठे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो गाइस जिस तरीके से पराठे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से उससे थोड़ा गीला ही मैंने डो तैयार किया है। और इसको इस तरीके से जो बेसन जो गूंदेंगे, गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट मैंने गूंदा है। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गैस ऑन करेंगे और गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में गैस 2 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को गर्म करेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि पानी में खौल आने लगी है। अब ले लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ले लेंगे अलग से। अब गैस जो बेसन का डो मैंने तैयार किया था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट है। तो हाथ में क्या करेंगे, पहले पानी लगा लेंगे हाथ में, तो पानी से हाथ को गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद ये इस तरीके से बेसन को उठा लेंगे एक लोई और इसकी गोल गोल बना लेंगे लंबाई में, क्योंकि वैसे आप अगर लेंगे तो हाथ में बेसन चिपकेगा। तो गैस आप देख सकते हैं कि बेसन हाथ में नहीं चिपक रहा है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सॉफ्ट है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे और बनाने के बाद ये गोल रोल करके इस तरीके से खोलते पानी में डाल देंगे। तो गैस जितना डो मैंने तैयार किया था बेसन का, इसी तरीके से सारे बेसन के डो गोल गोल लंबे लंबे जिस टाइप के आप बनाना चाहें तो वो खोलते हुए पानी में डाल देंगे। तो गैस मिलते हैं ये सारा डो जिस तरीके से तैयार किया है डालने के बाद, तो इसमें खोल आ रही है और इस तरीके से बना लेंगे पतला और ऐसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं गैस में इस तरीके से रोल बनाकर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, हाथ भी खराब नहीं होते। बस आपको जब बेसन का डो तैयार करेंगे तब आपके हाथों में बेसन थोड़ा सा चिपकेगा, फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने जितना डो तैयार किया था सारे टका पैसा बेसन के इस तरीके से डाल दिए हैं, बेसन के रोल करके लंबा करके। अब इसमें खोल लगाएंगे। खोल लगाने के लिए इसमें 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल के देखेंगे। तो ये गाइस बेसन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये अच्छे से उबल चुका है। इसको आप चाकू की सहायता से देख सकते हैं, या चाकू नहीं तो ये कांटे की सहायता से इस तरीके से दबाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। तो ये पक चुका है बेसन, तो इसको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से रख लेंगे। अच्छे से बॉयल हो चुका है, कढ़ाई भी खराब नहीं हुई है, आसानी से निकल आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब इसको ठंडा कर लेंगे बेसन के रोल। इस तरीके से आप देख रहे हैं गाइस ठंडा हो रहा है ये, जो कि ठंडी है, ठंडी में बहुत जल्दी ठंडा होता है। अब इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जिसको बोलते हैं गैस टका पैसा। तो आप देख रहे हैं कितने बढ़िया पैसे निकल रहे हैं। तो ये पैसे सारे निकाल लेंगे, तरीके से गोल गोल काट लेंगे, ये है टका पैसा। अब गैस को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे वही वाली कढ़ाई जिसका पानी निकाला था, वो फेंक दिया है, उसमें सुखा लेंगे। इसमें डालेंगे गैस 1 चमचा ऑयल, गरम करेंगे। ऑयल गरम हो रहा है गाइज, मैंने लिया है 1 प्याज और लहसुन की 1 गाठी को बारीक कटिंग कर लिया है इस तरीके से। ऑयल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे। अब इसको गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे और इस तरीके से चलाएंगे। तो गाइज गुलाबी हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी
लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक गाइस बेसन ने भी डाल दिया है, ध्यान से डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। अब इसमें पानी फिर ऐड करेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी तैयार हो रही है बढ़िया। तो गाइस टका पैसा की कटिंग हो चुकी है और पैसे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से जो मैंने पैसे तैयार किए हैं और मसाला तैयार किया है और इसमें ऐड कर देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे। चलाएंगे तो ये गाइस टका पैसा बनके तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे। ये है चटपटे मसालेदार टका पैसा बेसन के। गैस को ऑफ कर देंगे। कंप्लीट हो गया है। ये रहे गाइस टका पैसा बनके तैयार हो गए हैं और चटपटा मसालेदार नाश्ता। सो गाइस अगर आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है तो ये आइए आपका मन चल रहा है कभी सब्जी पराठा रोटी खाते हुए जी उब जाता है तो आप इस नए तरीके की बेसन के जिसपे बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस मैंने ली है ये चटनी मीठी। तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि टमाटर की मीठी, टमाटर और गुड़ की मीठी चटनी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये है चिली सॉस, इसकी भी नेक्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं चिली सॉस किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये है चका पैसा बेसन का चटपटा मसालेदार, इस तरीके से आप खाइएगा और अपने स्वाद को उतना बढ़ाइएगा और साथ में चाय भी बना लीजिएगा क्योंकि चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस इस तरीके से चेरा टका पैसा बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो आप करते चलिएगा। और कम्युनिटी बॉक्स में एक मेरा नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके आप मेरे नए वाले चैनल को देखिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में नोटिफिकेशन दी हुई है तो उसमें भी आप जाकर देखिएगा, अगर मन हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइज, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। आज मैं बना रही हूँ गाइज मेवे के लड्डू। सो गाइज मेवे के लड्डू बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने सामान लगाए हैं। मैंने लिए हैं एक कटोरी मखाने और तिल, इसको बोलते हैं गाइज सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। ड्राई फ्रूट में आप ले सकते हैं, मैंने काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं 1 प्लेट और गोंद, खोया 1/2 किलो, 1 किलो आटा, 1 बूरा। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप पिसी हुई चीनी भी मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं चीनी को। तो गैस मैंने बूरा लिया है इस तरीके से, और चाहे तो अगर चीनी भी ले सकते हैं, चीनी को भी मिक्सी में आसानी से पिस जाती है। और हरी इलायची। तो गाइज अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइज बनाएंगे तिल के लड्डू। सो गाइज वेलकम बैक, न्यू वीडियो। तो मैं आप देख सकते हैं कि सामान तैयार रखा हुआ है और बनाने जाऊंगी मैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए गाइज सबसे पहले मैं गैस जलाऊंगी। गैस को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी आपका नया गैस का नया चूल्हा, आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताइएगा चूल्हे के बारे में। और गैस को ऑन करेंगे, अब गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे लोहे की कढ़ाई, कुकर। तो गैस कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैंने लिया है 1 कटोरा देसी घी।
तो गैस देसी घी का अपने जैसे मैं देखूंगी, आप देखना कि पूरी वीडियो में घी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो गैस सबसे पहले मैं घी डालूंगी। सो गैस मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है घी और इसको डालेंगे और इसको गर्म, आप देख सकते हैं कि गर्म हो रहा है। तो गैस एक कटोरा घी लेना है और घी में डाल देंगे मखाने। अब इसको चलाएंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं कि जो मखाने जो है इस तरीके से घी में इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको इस तरीके से फोड़ के देखेंगे कि अभी सॉफ्टनेस है, जब ये टाइट हो जाएंगे तब ये लगेगा कि हाँ ये भुन गए। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो गाइस मखाने आप देख सकते हैं कि आवाज से कि ये मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। सो गाइस अब फ्राई करेंगे, अब तलेंगे। गोंद गोंद के लिए एक चमचा फिर डालेंगे देसी घी और इसको गर्म करेंगे। गोंद तलने के लिए हाई टेम्परेचर में इसको गर्म करेंगे, घी को गैस को फुल टेम्परेचर में रखेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि गोंद को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोंद बहुत आसानी से इस तरीके से फ्राई हो जाता है और ये फूल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सो गाइस गोंद जो है अच्छे से तल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। आप किसी भी तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ इकट्ठा पराठा जैसे बना सकते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अच्छे से तल लिया है। अब गोंद को निकाल लेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को हटाना नहीं है, इसी कढ़ाई में आटा भूनेंगे। आटा भूनने के लिए इसमें फिर एक चमचा देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो गैस इसमें दो चमचे मैं बड़े बड़े भर के डाल रही हूँ। तो गैस आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरा भर के लिया था। अब इसमें आटा ऐड कर देंगे और आटे को भून लेंगे। तो आटे को गैस इस तरीके से गुलाबी गुलाबी भूनना है। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, फिर लो फ्लेम पर करना है। तो इसी तरीके से आटे को गुलाबी भूनना है, जैसे पंजीरी के लिए आटा फ्राई करते हैं उसी तरीके से आटे को अच्छे से भूनना है। और इसको चलाते रहेंगे, चलाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से करते रहेंगे। तो इसमें गैस घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं 1 चमचा घी और डाल रही हूँ। तो गैस मैंने इसमें 4 चमचे डाल दिए हैं, 1 चमचा पहले था, 3 को आपने डाले हैं, तो 4 चमचे आटे में लग गए हैं घी के। और इसको अगर आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं घी। आटे को गैस इस तरीके से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं चला रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपकी गैस भी खराब नहीं होगी और आटा गिरे भी नहीं इधर उधर से। और बहुत ही सावधानी से इसको आटे को पंजीरी के तरीके भूनना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से भुन चुका है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पंजीरी भी बना सकते हैं ठंडा होने के बाद। इसमें चीनी पिसी हुई या पूरा जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिला के आप नारायण भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पंजीरी बनाई थी। तो गैस पंजीरी की वीडियो ऐसी बनता है। तो गैस अब ये आटा फ्राई हो चुका है अच्छे से, तो हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी गुलाबी हो गया है नीचे से भी। ज़्यादा इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भी अलग बर्तन में निकाल देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने मखाने और कॉर्न को फ्राई करके निकाल लिया है एक तरफ। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस बड़े बर्तन में इस तरीके से निकाल लेंगे इसको आटे को। सो गाइस आटे को इस तरीके से फ्राई करके मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया है। अब इसी कढ़ाई पर भूनेंगे तिल। अब इसको रख देंगे आटे को गैस पंजीरी के लिए पंखे के नीचे और ठंडा करने के बाद अब मैंने डाले हैं तिल। तिल को फ्राई कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसी तरीके से तिल में गैस ऑयल नहीं डालना है। तिल को इस तरीके से सूखा ही इसको फ्राई करना है। तो इसके चटकने की आवाज़ तिल की आप देख सकते हैं कि अंदर इसे तिल चटकने लगता है। तिल को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। तो गाइस तिल चटक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे तिल के लिए। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे।
तो गाइस ये तिल है जो मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इसको भी ठंडा कर लेंगे और पंखे के नीचे रख देंगे। इसी कढ़ाई में गाइस ये मैंने खोया डाला है और खोया को गर्म करेंगे। तो खोया को गाइस इतना गर्म नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है इसको गुलाबी होने तक की। इस तरीके से खोया को भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो गाइस इस तरीके से खोए को हल्का सा फ्राई करना है और गैस को ऑफ कर देंगे और खोए को भी ठंडा कर लेंगे। तो जब तक कि गाइस खोया ठंडा हो रहा है तब तक कि तिल और ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए हैं काजू और बादाम और ये मखाने और ये कॉर्न को मैंने फ्राई कर लेंगे। अब इसको मिक्सी फ्राई कर लिया, अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो गाइस मिलते हैं मिक्सी में पीसने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं कि खोया ठंडा हो चुका है और इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस ये आटा आटा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि आटा ठंडा हो गया है और इसको हल्का सा गर्म है। तो इसी में गाइस ये जो मैंने ग्राइंड कर लिया है वो भी मिला लेंगे और ये खोया है, खोया इसमें इस तरीके से मिला देंगे। तो गाइस खोया को मैंने इस तरीके से डाल देंगे और तो इसी में ही गाइस मिला देंगे ये पूरा जो मैंने लिया है 1 किलो पूरा पिसा हुआ, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस मैंने जो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है मेवा और तिल उसको भी इसमें इसी तरीके से मिला देंगे। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है तिल, तिल को मिला देंगे इसी के ऊपर, गौन और ये मेवा को भी इस तरीके से पीस लिया है वो भी मिला देंगे। सो गाइस जो तिल है वो भी मिक्सी में हल्के से ग्राइंड कर लेंगे और तिल को भी इसी में ऐड कर देंगे। तो गाइस ये मैंने लिया है इलायची हरी, तो इसको खल्लड़ मूसल में कुचल लेंगे। तो इलायची को गाइस इस तरीके से फोड़ लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इलायची का पाउडर बनके तैयार हो गया है और इसके छिलके अलग निकाल देंगे। जो छिलके जो हैं इसको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाय बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है चाय। तो चाय में आप इस तरीके से एक छिलका डाल देंगे इलायची का, तो स्वादिष्ट चाय बनके तैयार हो जाएगी। तो गाइस इसको तो अलग रख देंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची के छिलकों का और इलायची का ये पाउडर, चाहे तो पाउडर ले सकते हैं और चाहे तो इलायची पाउडर नहीं है। तो इस तरीके से अंदर से एलपीजी निकाल लिया है, इसको मैश कर लिया है, तो ये इलायची के पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको भी इसको मिक्स कर देंगे लड्डू में। सामान को आप इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेंगे और जो घी बचता है गाइस इसको घी को पिघला लेंगे और घी को पिघलाने के बाद उसमें मिक्स कर देंगे ताकि लड्डू आपके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। तो आप देख सकते हैं इसको मैं पतला कर रही हूँ, उसमें मैश कर देंगे। तो इस तरीके से लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसमें घी ऐड कर देंगे। इसमें गाइस इस तरीके से घी इसमें की क्वांटिटी और पड़ेगी, तो इसमें 3 चमचे और डालेंगे। इस तरीके से अब इसको मैश करेंगे घी डालकर। अब इसको मिक्स करेंगे। तो जब घी डालने के बाद आप गाइस देख सकते हैं कि लड्डू इस तरीके से बन जाएंगे, वैसे नहीं बन पा रहे थे अभी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें 1 चमचा और पड़ेगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब ये सॉफ्ट हो जाता है और अभी आप लड्डू आसानी से बना सकते हैं जब घी इसमें इस तरीके से कुछ ज्यादा सा मिक्स हो जाता है। तो गाइस मैंने इसमें 5 चमचा भर भर के घी डाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आप बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू बनाने के लिए आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो बड़ा शेप दे सकते हैं। तो गाइस मैं इस तरीके से मैंने हाथ में लिए हैं, दोनों हाथ में इस तरीके से ले लेंगे और ये बनाएंगे लड्डू। तो दोनों हाथों से इस तरीके से करेंगे और ये बन गए परफेक्ट लड्डू इस तरीके से गाइस। गोल गोल बन गया है, इस शेप से आप बना सकते हैं। तो गाइस इन सबके लड्डू बनाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, गोल गोल लड्डू, तिल के मेवे के लड्डू आटे के।
सो गाइज आप देख सकते हैं कि लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। इसमें समथिंग मैंने एक कटोरा देसी घी ऐड कर दिया है, जो आटा बहुत सूखा होता है इसलिए एक कटोरा समथिंग मैंने गर्म करके ऑयल घी डाला है। तो इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, दोनों हाथों में ले लेंगे और बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरीके से दबाते रहेंगे और इसी तरीके से दबाएंगे तो जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। तो आप अच्छा देख सकते हैं कि इस तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं ठीक है। बड़े बड़े काजू डालो ऊपर। सो गाइज आप देख सकते हैं कि लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं लड्डू। तो ये मेवे के लड्डू हैं गाइज, आटे के और आटे तिल और मेवे के लड्डू हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं लड्डू। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो अगर आप एक लड्डू अगर रोज डेली खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और ताकत भी आएगी, आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो गाइज इस तरीके से आप लड्डू बनाइएगा, तिल और मेवे के लड्डू। तो गाइज इसमें समथिंग 1 किलो देसी घी लगा है गाइस इसमें, और जब यदि आप ऐसे लड्डू बनाते हैं आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो घी गर्म करके डालें तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और सॉफ्टनेस बनते हैं। जब तक इस तरीके से आप दबाएंगे या दबाने के बाद जब ये ऑयल ऊपर आ जाता है आप देख सकते हैं तो ये परफेक्ट लड्डू इस तरीके से बन जाते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हाथों में लिए हैं तो ये टूट भी नहीं रहे हैं, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी घी की नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से लड्डू आप देख सकते हैं कि तिल जो है ऊपर से वाइट तिल दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मेवा जो है मैंने ग्राइंड कर लिया, आप चाहें तो ग्राइंड नहीं करें तो मोटी भी रख सकते हैं, तो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरीके से गाइस लड्डू बन जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, मावा के लड्डू? तो गाइस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने 2 किलो लड्डू समथिंग तैयार हो चुका है, 2 किलो मावा के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो इसको आप इस क्या करेंगे, डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं, तो डिब्बे में ये पैक करके इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, तो आपके महीनों आपके लड्डू ये ख़राब नहीं होंगे। अगर यदि आप कहीं जा रहे हैं घूमने इधर तो भी आप लेके जा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होने वाले। तो गैस इस तरीके से आप खाइएगा और लड्डू और बताइएगा मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो गैस अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और मेरे नए चैनल एक शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ जिसमें कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा एक नया चैनल है, तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस आपको लड्डू की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस खाइएगा लड्डू और मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। मैं बना रही हूँ गाइस आधा बंदा मैंने लिया है, मैं बनाऊंगी झटपट मोमोज। तो मोमोज बनाने के लिए गाइस सिर्फ आधे का बंदा चाहिए है और आधे बंदे की इसके तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। सो गाइस इसको बोलते हैं पत्ता गोभी बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ही पत्ते होते हैं। तो पत्तों को मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में, चाहे तो आप कद्दूकस से कर सकते हैं। और करने के बाद इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। तो गाइस मिलते हैं धोने के बाद। सो गाइस पत्ता गोभी को मैंने धो लिया है, धोने के बाद इसमें पानी कटा हुआ डालेंगे प्याज। तो गाइस अगर नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस तरीके से बनाइएगा मोमोज। तो गाइस मैंने 2 प्याज की छोटी छोटी कटिंग कर ली है। इस तरीके से काटने के बाद में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में इसको डाल देंगे, गैस को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे कढ़ाई और इसको ढक देंगे और गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लो फ्लेम पर किया है और फटाफट मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। तब तक कि मैदे का डो तैयार कर लेंगे और इसको कर दिया मैंने लो फ्लेम पर।
इसमें लिया है एक कटोरा मैदा, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो गाइस मैदे का डो इस तरीके से तैयार करेंगे जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस टाइट है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ना ज़्यादा टाइट है। और इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस पत्ता गोभी को देखेंगे, आप देख सकते हैं पक चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको चलाएंगे। चलाने के बाद वापस उसी थाली में पलट लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें जो पत्ता गोभी है जो पानी निकलता है, इस तरीके से तिरछा कर देंगे और इसका पानी अलग कर देंगे और पत्ता गोभी को अलग निकाल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ठंडा हो गया है और इस तरीके से ठंडा हो रहा है, तो इसको इस तरीके से दबा के निचोड़ लेंगे और पानी को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी इस तरीके से सभी गर्म है, ये पानी आप देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से दबा दबा के निकाल लेंगे इस तरीके से निचोड़ के रख लेंगे सारे पत्ता गोभी को। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके से निचोड़ेंगे तो पानी तो काफी निकल जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना पानी इस तरीके से निकल रहा है और इसमें डाल देंगे थाली में। तो गाइस इस तरीके से पत्ता गोभी को मैंने निचोड़ के रख लिया है। मैं डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, हल्का गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर को तो मिक्स कर लेंगे। तो गैस मोमोज के अंदर भरने वाला मसाला तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस मोमोज का मसाला फटाफट तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर मैंने नहीं डाला है, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी नहीं डाला है मैंने। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे मोमोज के लिए चटनी। झटपट चटनी बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और इसमें रखती है मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं बिगड़ छिड़ी हुई, और इसमें डालेंगे 4 टमाटर और इसमें डालेंगे पानी और इसको कर लेंगे बॉईल कर लेंगे। इसके जब इसका कट लगाएंगे तब टमाटर का, तो इसके छिलके निकालेंगे गाइस, जब बॉईल होने के बाद ही छिलके निकालना है, इससे पहले नहीं। तो इसको चाकू से इस तरीके से कट लगा देंगे बहुत ही जल्दी बॉईल होते हैं। अभी ये बॉयल हो जाए, बॉयल हो जाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस बॉयल हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और जो लहसुन की कलियां हैं इसको छील लेंगे, टमाटर को अलग कर लेंगे। हल्का सा बॉयल करने से गाइस क्या रहता है कि ये लहसुन जो है बहुत ही आसानी से आप छील सकते हैं। तो ये चाकू की सहायता से इस तरीके से जरा सा कट मारेंगे और ये लहसुन को आसानी से छील लेंगे, बहुत ही जल्दी लहसुन छिल जाता है। तो लहसुन के लिए छीलने के बाद टमाटर के छिलके भी निकाल लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने कट लगाया था। तो इसको इस तरीके से ये काट देंगे, ऊपर का हिस्सा निकालने के बाद फिर ये छिलका आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है ये। तो ये छिलके को निकाल देंगे। मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इस तरीके से डाल देंगे टमाटर के पीसेस इस तरीके से काट के, जो बॉइल किए हुए टमाटर हैं आप देख सकते हैं छिलका निकाल दिए हैं। और इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और बारीक जो बॉइल किए हुए लहसुन के छिलके अलग कर देंगे, बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं आप देख सकते हैं। तो ये लहसुन की कलियां डाल देंगे। चटनी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। को लगाएंगे ढक्कन और फटाफट चला लेंगे। तो ये रही गाइस मोमोज की चटनी, चटपट तैयार हो गई है। तो आप चटनी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मोमोज की चटनी इस तरीके से बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटपट तैयार हो जाती है मोमोज की चटनी। सो गाइस आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोमोज बनाने के लिए गाइस गैस को ऑन करेंगे।
गैस को ऑन करेंगे और इसमें रख देंगे कुकर। कुकर में डालेंगे एक गिलास पानी। कुकर की ढक्कन की गैस सीटी और रबड़ दोनों निकाल देंगे। और इसको ढक देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। मोमोज बनाने के लिए गैस चक्का बेलन लेंगे और जो मैंने डो तैयार किया था 10 मिनट हो चुका है, अब इसको गूंद लेंगे सही से। सो गैस ये मैंने डो तैयार कर लिया है। सूखा मैदा मैंने रख लिया है थोड़ा सा और इसकी लोई काट लेंगे। तो इसको इस तरीके से लोई ले लेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से लोई जितनी लेनी है आपको उतनी ले सकते हैं और इस पर रखेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैं लोई बेल रही हूँ गोल शेप में। तो ये गाइस मैंने गोल शेप में बेल ली है, पूड़ी से छोटी। तो इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो इस तरीके से इसमें रख लेंगे। और फिर इसको इस तरीके से आप मोमोज बना सकते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया प्यारी डिजाइन आती है और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और इस शेप में लाते जाएंगे। तो ये रहा मोमोज की डिजाइन। सो गाइस इस तरीके से आप मोमोज बनाइए, इसी तरीके से सारे मोमोज बना लेंगे। और एक नए शेप का, जैसे पुराने स्टाइल का जो मोमोज बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये नया पैटर्न है, ये मोमोज बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और गाइस आप रेस्टोरेंट में भी आप देख सकते हैं इस तरीके के मोमोज। और सादा बनाने के लिए गाइस मैंने एक लोई ली है। सो गाइस ये गोल शेप में बेल दी है और बेलने के बाद इसको इस तरीके से एक चम्मच रखेंगे। तो अपनी मैंने ऐसे ही रख लिया है, तो इसको गोल बना देंगे इस तरीके से, जैसे मोमोज होते हैं जैसे आप बाहर खाते हैं इस तरीके से। तो ये रहा मोमोज और इसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से निकाल देंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो होती है। तो ये रहा मोदक जैसे स्टाइल में मोमोज। तो गैस सारे मोमोज इस तरीके से बना लेंगे, इसी तरीके से गैस मोमोज बना लेंगे। सारे मोमोज बना के मैं दिखाती हूँ आपको पूरे। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मोमोज मैंने तैयार कर लिए यहाँ बढ़िया। और अब लेंगे इडली का खाचा, इडली के खाचे में इस तरीके से रख लेंगे एक एक करके। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें इडली के खाचे में मोमोज पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं। तो इस गैस पर मैंने पानी रखा था और ये पानी गर्म हो गया है और इसका ढक्कन हटा के देखेंगे हीट निकल रही है। अब इसके अंदर रख देंगे इडली का खाचा, इसके अंदर बहुत ही आसानी से आ जाता है कुकर में। अब इसको ढक देंगे और इसमें मैंने रबड़ निकाल दिए और ये इसकी सीटी निकाल दी है और इसको ढक्कन लगा देंगे और गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। तो गैस मिलते हैं 15 मिनट के बाद। सो गैस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको खोलेंगे ढक्कन कुकर का। तो ये रहे मोमोज, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको सर्व कर लेंगे। तो गैस इस तरीके से बन चुका है ये। तो गैस कुकर को इस तरीके से निकाल लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मोमोज बनके तैयार हो गए हैं आप, और तरीके से खाइएगा। और ये रही चटनी और ये इस तरीके से ये मोमोज बल्ला देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरीके से सारे मोमोज बना लेंगे। सो गाइस आपको मोमोज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं कम्युनिटी बॉक्स में नया चैनल है उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालिएगा, शॉर्ट्स की वीडियो मैं डालती हूँ, तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मोमोज ये बन के तैयार हो गया है। पहले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा बना है। तो ये रहा गाइस मोमोज, वाह। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लाई हूँ जो मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ। तो गाइस आप लोगों की डिमांड थी कि मेरे पेट में जैसे मान लो दर्द होता है, तो जैसे आप समझ सकते हैं, तो जैसे सुठौरा बना रही हूँ मैं, जैसे कमर में दर्द है या पेट में दर्द है, जो भी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, तो इस तरीके से झटपट आप बना सकते हैं। ना ही आपको गैस में बनाना है, ना ही कुछ करना है, तो आप झटपट बना सकते हैं और
अपने कमर का दर्द और पेट का दर्द ठीक कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है गुड़ और ये पिसी हुई सौंठ जिसको बोलते हैं, जो अदरक की होती है, जो उसको सुखाने के बाद उसका जो पाउडर बनता है वो ये, और एक चम्मच लिया है मैंने देसी घी। तो आप झटपट बनाइए सुठारा और अपने कमर का दर्द ठीक कीजिए। और जाड़ा चल रहा है गाइस और हरीरा बनाने के लिए समय लगता है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हरीरा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो हरीरा की भी मैंने वीडियो डाली है। तो गाइस मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है जो मैं इस तरीके से ले ले रही हूँ। अब क्या करेंगे सुठारा बनाने के लिए गाइस, ये जो गुड़ है इसको फोड़ लेंगे। तो जो अदरक उछलने वाली जो होती है, खल्लड़ मुसड़ जिसको बोलते हैं, तो इसी से इस तरीके से ये गुड़ को फोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जब आप दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से फूट जाएगी। तो आप झटपट बनाइए सुठौरा और खाइए और खिलाइए। जाड़ा चल रहा है गाइस, जाड़े में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इस तरीके से आप बना सकते हैं। और पेट का दर्द है, कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो सुठौरा से गाइस बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा गाइस, मिस नहीं कीजिएगा किस तरीके से मैं सुठौरा बना रही हूँ। तो इसको गैस गैस पे भी नहीं लिया, इस जिस तरीके से मैंने गैस पे भी बनाया था सुठौरा, किस तरीके से बनाते हैं, तो उसमें रामदाने के डालते हैं, उसमें पोस्ते के दाने डालते हैं उसमें, तो उस तरीके से भी वैसे भी मैंने सुठौरा बना के दिखाया था आपको। और ये झटपट वाला सुठौरा जैसे फटाफट आप बना सकते हैं, और फटाफट आपको इस तरीके से मैंने फोड़ लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इस तरीके से दबाते रहेंगे और ये मिक्स होता रहेगा। जिस तरीके से गुड़ इसको दबाते रहेंगे तो ये पसीसता रहेगा, यानी जिसको बोलते हैं इसमें पानी, ना ही इसमें पानी डालना है, ना ही इसमें दूध डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। बस गाइस आप यूं ही देखती रहिए और किस तरीके से मैं सुठारा बना रही हूँ झटपट वाला, और इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। जब हाथों से इस तरीके से मैश करते रहेंगे और ये फटाफट में मिक्स हो जाता है, तो ये रहा सुठौरा। तो गाइस गुड़ जो होता है इस तरीके से पसीसता है और पसीसने के बाद मिक्स हो जाता है। तो ये गाइस दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप आटे की तरीके मर रहा है साहब। अब ये इसको कटेंगे इधर और इसकी गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी। तो गाइस इस तरीके से गोलियां बना ली हैं, इसको चाहे तो इसको लंबे शेप में इस तरीके से बना सकते हैं सुठौरा। और ये बनाने के बाद सुठौरा को गाइस इसको आप किस तरीके से खाएंगे वो भी मैं बता रही हूँ। तो गाइस आप जो है एक गिलास सादा दूध लीजिए गुनगुना। तो गुनगुना दूध लेने के बाद ही उसको ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा और गुनगुने दूध में उसमें चीनी नहीं डालिएगा। और इस तरीके से आप जैसे एक लड्डू बन गया, ये लड्डू और एक गिलास दूध के साथ आप लीजिएगा, आपके पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, आप कमर का दर्द ठीक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से बना लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सुठौरा मैंने तैयार कर लिया है इस तरीके से, ये बन गया सुठौरा। चाहे तो गोल शेप में आप बना सकते हैं, मैंने गोल शेप में भी बनाया है ये लड्डू, जिस तरीके से कहते हैं एक लड्डू खा लें और पेट का दर्द गायब। तो गाइस और लिया है मैंने ये दूध, हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं है, इसको फीका रखना है। तो इस दूध के साथ इस तरीके से एक गिलास दूध ले लिया हल्का गुनगुना और एक सुठौरा ले लिया, दोनों आपने इस तरीके से खा लिए, तो आपका कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द छुमंतर हो जाएगा, आप पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से आप खाइए और सुठौरा दूध के साथ और अपने पेट का दर्द और जोड़ों का दर्द ठीक करिए, और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा झटपट। तो गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ना ही आपको गैस पे दिखाना है, ना ही कुछ करना है, ना ही हरीरा बनाना है, अगर झटपट खाना है सुठौरा तो बनाइएगा इस तरीके से। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा और मेरी वीडियो शॉर्ट्स वाली कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सुठौरा गाइस जच्चा को खिलाया जाता है, जच्चा न्यू बेबी जिसका होता है तो वो जच्चा खाती है। वैसे इस तरीके से झटपट बनाइए और खाइए। जय श्री कृष्णा।